डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम करवाऊंगी, जो स्टीफन, इसका पोइट कौन है? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोइट है और एसिस्ट है, और उसने बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर, उनकी जो क्लासरूम है उनका दृश्य का हृदयस्पर्शी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह बस्ती में जो स्कूल है वहाँ पर क्लासरूम का दृश्य कैसा है। स्टीफन स्पेंडर ने हमें इस पोयम में बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि जो बच्चे होते हैं वहाँ हमेशा चंचलता से भरे होते हैं, लेकिन इस स्लम में रहने वाले क्लास के बच्चों का अगर हम देखें तो वो चंचलता से काफ़ी दूर हैं, उनके आसपास भी चंचलता नहीं है। देखो, इसी पोयम के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। Far, far from gusty waves, these children faces. Gusty waves होता है शक्तिशाली लहरें, कि इन शक्तिशाली लहरें, लहरों का यहाँ किससे तुलना की गई है? चंचलता से, कि ये इन चंचलता से दूर, अर्थात शक्तिशाली लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों को देखो। क्यों कहा गया है यहाँ पर इन चेहरों को देखो? क्योंकि बच्चों के चेहरों पर हमेशा चंचलता झलकती है, लेकिन इस बस्ती में रहने वाले बच्चों के पास बिल्कुल भी चंचलता नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर होता है पीलापन, हेयर टोन, टोन होता उलझे हुए, कि उनके शरीर के पीलेपन पर उलझे हुए चेहरे कैसे, उलझे हुए बाल कैसे लग रहे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स होती है बेकार घास या खरपतवार, उनके पीले शरीर पर उलझे हुए जो बाल हैं वो कह बेकार बिना जड़ वाली खरपतवार लग रही हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, जो बड़ी लड़की है उसने अपना सिर झुकाया हुआ है। वेट, वेट क्यों कहा गया है? मानो उसे इस शरीर का भी वजन लग रहा हो। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह दिखने वाला लड़का, यहाँ कागज की तरह दिखने वाला क्यों कहा गया है? जिस तरह कागज पतला होता है उसी तरह वो लड़का भी बिल्कुल पतला है। विद रेड आईज, रेड आईज का मतलब यहाँ पर क्या है? चूहे जैसी आंखें, बिल्कुल छोटी छोटी उसकी आंखें हैं। द स्टंट अनलक्की आयर, स्टंट होता है अविकसित, अनलक्की हायर दुर्भाग्य से, आयर विरासत, ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन होता है मुड़ी तुड़ी हुई हड्डियाँ, जो एक बच्चा बैठा है वो पूर्ण रूप से अविकसित है, ऐसे लग रहा है जैसे कि उसे ये हड्डियों का ढांचा विरासत में मिला हो। रिसाइटिंग ए फादर नाल्ड डिजीज, नाल्ड होती है गांठे, जैसे कि उसके पिता के इस बीमारी से क्या है, गांठे पड़ गई हों, तो ये कहता है उसे ये सब चीज़ें शायद अपने पिता से विरासत में मिली हो, वो इतना अविकसित है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम क्लासेस, एक बच्चा है जो बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल डिम अंधेरे में बैठा है और वो अपना बेंच से पाठ पढ़ रहा है। वन अ नोटेड स्वीट एंड यंग, एक और मासूम छोटा बच्चा वो भी बैठा है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है। ऑफ स्क्रील गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, वो बाहर क्या है अपने सपने में क्या देख रहा है, कि जिस तरह गिलहरी पेड़ के कमरे में खेल खेल रही है, अदर देन दिस, कि वह भी इसी तरह उसका एक अपना कमरा होगा और वह भी वहां पर क्या है गेम खेलेगा। तो इस तरह इसमें इस दृश्य में दिखाया गया है कि जो बड़ी लड़की है वो अपना सिर झुकाई हुई है, पेपर की तरह दिखने वाला लड़का क्या है बिल्कुल कमजोर है, एक और छोटा बच्चा, एक और है जिसे अपने पिता से विरासत में बीमारी मिली हो, अर्थात कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, वह पूर्ण रूप से अविकसित है। एक छोटा बच्चा है, उसकी आंखों में एक सपना है, वह भी चाहता है कि मैं क्या है गिलहरी की तरह उसका एक अपना कमरा और वह वहाँ खेले। ओन श्योर क्रीम वॉल्स, श्योर क्रीम वॉल्स, अब यहाँ इस पैरे में क्या बताया गया है, क्लास के दृश्य के बारे में बताया गया पहला, वहाँ के बच्चों के बारे में, दूसरे पैरे में क्या बताया गया है कि यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ का दृश्य जो हमें दिखाया जा रहा है। ओन श्योर क्रीम वॉल्स, वहाँ की जो दीवारें हैं बिल्कुल क्या खट्टी,
स्मेल आ रही है जैसे सेम पड़ जाती है तो स्मेल आती है. डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस हेड डांस सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज. यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस कमरे की दीवारें हैं जो खट्टी बिल्कुल क्रीमी रंग की स्मेल आ रही है और उस पर जिन्होंने दान दिया है उन लोगों के चित्र अंकित है जैसे शेक्सपियर का सिर या धड़ क्लाउडलेस एट डान बिना बादलों के प्रभात का दृश्य है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज सारे शहरों को सभ्य दिखाने वाली एक गुंबद. बेल्ट फ्लावरी ट्रायलेस वैली ट्रायलो घाटी की एक घंटी नुमा आकृति जो फूलों से भरी हुई है. ओपन हैंडेड मैप एक बड़ा खुला नक्शा अवार्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड जो यह दिखाता है कि ये उनका संसार है. येट फॉर दी चिल्ड्रन लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नोट दिस मैप कि इन खिड़कियों में से जो दिखाई देता है वही उनका संसार है. नोट दिस मैप न कि ये नक्शा. नक्शे के अंदर तो आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी घाटियाँ अच्छे अच्छे गुंबद ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहता है इन बच्चों के लिए दीज विंडो इन खिड़कियों से जो दिखाई देता है वही इनका संसार है. नोट दिस मैप न किस नक्शे में जो दिखाया गया है देयर वर्ल्ड वो उनका संसार है. वैन ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद देयर फ्यूग जहाँ पर जब खिड़कियों से देखते हैं तो उन्हें अपना भविष्य फोग होता है कोहरा कोहरे से रंगा हुआ दिखाई देता है धुंधला. ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन ए लीड स्काई और एक भीड़ी सी तंग गली जो खुले आकाश की तरह उदासीन दिखाई देती है. फार फ्रॉम रिवर जो इन नदियों से दूर केप्स द्वीपों से दूर स्टार्स ऑफ वर्ल्ड इस शब्दों के तारों से सब दूर यानी ये जो चीज़ें नक्शे में दिखाई गई हैं इन सब से दूर जो उन्हें उदासीन आकाश दिखाई देता है वही इनका संसार है और उन्हें अपना भविष्य क्या है कोहरे में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है. यानी जो वहाँ पर दीवारों पर दृश्य या जो चित्र लगाए गए हैं जिन्होंने राशि दान में दी थी जब ये स्कूल बना था इन क्लासों के लिए उनके पिक्चर वहाँ पर लगाए गए हैं और ये सभी क्या हैं सिर्फ बाहरी सुंदरता को दिखाते हैं. जो इन बच्चों के लिए चीज़ें जो इन बच्चों को खिड़कियों से बाहर दिखाई देता है तंग गलियाँ उदासीन आकाश वही उनका संसार है. तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले पहरे में उन्होंने बच्चों के बारे में बताया और दूसरे पहरे में उन्होंने क्लासों के वहाँ की दीवारों का वहाँ का दृश्य बताया गया है. तो ये था आपका पहला पार्ट. दूसरा पार्ट मैं कल डालूंगी. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.